हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से टाइप ऑफ इकोसिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो लास्ट में प्लेलिस्ट आएगा एंड स्क्रीन पे, वहाँ से आप देख सकते हो, या तो आई बटन पे आप देख सकते हो क्लिक करके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आप देखो अब हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो आप देखो जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट के लिए, यानी फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए? इनफ रेनफॉल चाहिए, इनफ टेम्परेचर चाहिए। अगर वहाँ पे मान लो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा उसके वेजिटेशन में, क्या होगा? पहले मान लो यहाँ पे डेंसली यानी फॉरेस्ट होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा। उसके अंदर क्या होगा? और स्पार्सली फॉरेस्ट होगा, यानी दूर दूर पे होगा फॉरेस्ट। और उसके अंदर क्या होगा? जहाँ पे फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी जहाँ पे रेनफॉल कम होगा, वहाँ पे क्या होगा? ग्रासेस होगा। यानी ग्रासलैंड यहाँ, ग्रासेस यहाँ डोमिनेट करेगा। जब ग्रासेस डोमिनेट करेगा तो वैसे इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। और उसके बाद में जहाँ पे ग्रासेस को भी सपोर्ट करने के लिए रेनफॉल नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? डेजर्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा? ट्रांजिशन हो रहा है, यानी फॉरेस्ट से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ग्रासलैंड में जा रहे हैं, ग्रासलैंड से फिर डेजर्ट में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा और ग्रासेस भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रासेस रहेगा, इसलिए इसका नाम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यानी एक तरह का ये इकोटोन हो गया। तो ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन जो मेनली डोमिनेट करता है वहाँ पे ग्रासेस करता है, यानी ऐसा एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन मेनली क्या होगा? ग्रासेस होगा, तो उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे ट्री हो गया या श्रब्स हो गया वो बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। मेनली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह का होता है। और भी अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो कि प्लांट रिक्वायरमेंट, यानी ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो इसे फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से यहाँ पे ट्री ग्रो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ग्रासेस ग्रो होते हैं ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा कि लो रेनफॉल होगा और वाइल्ड फायर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट होगा। और वाइल्ड फायर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी उसको बर्न कर देगा। तो ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है तो वाइल्ड फायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जब ग्रासेस होगा तो क्या होगा? एनिमल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेजिंग के लिए। आर थ्री फैक्टर्स डेट मेंटेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये तीनों मिलकर के किस तरीके से ग्रासलैंड को मेंटेन रखता है। यानी ग्रासलैंड रीजन जो है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है, वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि वो मेनली ग्रासेस को मेनली सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होगा, यानी रेनफॉल जो एनुअल रेनफॉल होगा वो बहुत ही कम होगा। जब रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा? ये ट्री को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फॉरेस्ट के ट्री को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना इनफ होगा कि वो ग्रासेस को सपोर्ट कर सकता है। फिर अगर फ्रिक्वेंट फायर, यहाँ पे ग्रास जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मेनली फायर यानी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। ये भी क्या करता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और चूंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली फायर आते रहता है, फायर होते रहता है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो इसके कारण से यहाँ पे जो ग्रासेस है वो भी अपने आप को क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया कि जैसे ही फायर होगा, यानी फायर लगेगा उसके बाद में ये क्या करेगा? क्विकली एकदम रीग्रो कर लेगा फिर से, यानी क्विकली रिकवर कर लेगा उसको, यानी इस तरीके से ये एडॉप्ट कर लिया उस सिस्टम में। अभी हम लोग पढ़े थे कि ग्रासेस का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, ट्री से ग्रासेस में जा रहे हैं हम लोग, यानी डेंस ट्री से जा रहे हैं स्पार्सली ट्री की ओर, स्पार्सली ट्री से फिर ग्रासेस डोमिनेट कर रहा है, फिर ग्रासेस से डेजर्ट। यानी क्या है? ट्रांजिशनल लैंडस्केप है, यानी इकोटोन है ये। अब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय हर्ब एंड ग्रासेस, ये सब मेनली यहाँ पे देखने को मिलेगा। और द इकोसिस्टम आर मेनली दीज इकोसिस्टम आर मेनली फाउंड इन रीजन वेयर देर इज स्केंटी ऑफ वाटर, ये सब सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉट इनफ एंड रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फॉरेस्ट, द ग्रासलैंड इकोसिस्टम लाई बिटवीन द डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच में लाई करेगा। कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम से डेजर्ट के की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। और बीच में उस यही डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में क्या मिलेगा हमको? ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिलेगा। अगर आप ग्रासेस का बात करोगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बात करोगे, तो अगर लेटिट्यूडनल वाइज देखोगे तो इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो अधिकतर जगह आपको ग्रासेस देखने को मिलेगा, यानी हॉट इक्वेटोरियल रीजन से कोल्ड पोलर रीजन तक ग्रासेस देखने को मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लेकिन उसका करेक्टरिस्टिक जो होगा ग्रासलैंड का, वो क्या होगा? डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट पे डिसाइड करेगा कि किस तरह का करेक्टरिस्टिक होगा। ऐसी क्लाइमेटिक फैक्टर के बेसिस पे अगर देखोगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़े थे कि याद होगा पिछले क्लास में कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया? ये इक्वेटर वाला
रीजन हो गया, यानी ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। लेकिन इसके जस्ट बियॉन्ड जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में, यानी मिड लेटीट्यूड वाला रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेनली जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अभी हम लोग देखें कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैव ड्राई और वेट सीजन होता है, ड्राई और वेट सीजन होता है यहाँ पे, डेट रिमेन वार्म ऑल द टाइम, क्योंकि इक्वेटर पे है, यानी इक्वेटर के आसपास ही है, यहाँ पे सन क्या होगा डायरेक्टली फॉल करेगा, इसलिए क्या होगा वार्म होगा ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन आर वार्म थ्रू आउट द ईयर फॉलोड बाय ड्राई एंड वेट सीजन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर द वन विच रिसीव्स रेनफॉल, यानी यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो रेनफॉल होगा 50 से 130 सेंटीमीटर के रेनफॉल होगा, यानी इतना रेनफॉल होगा यहाँ पे 50 से 130 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होगा। और जो ये ग्रासेस यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी इनफ होगा, तो इसके कारण से यहाँ जो ग्रासेस ग्रो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टॉल होगा, जिसका हाइट लगभग 3 से 4 मीटर हाइट होता है इसका। और ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इसको सवाना, यानी ग्रासलैंड भी बोला जाता है। सवाना जो है मेनली जब हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट रीजन में ग्रासलैंड को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका वाले जो रीजन है तो अफ्रीका में सवाना रीजन सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रासलैंड को सवाना के नाम से जानते हैं, इसे ट्रॉपिकल सवाना भी बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल सवाना यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को जो है लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोला जाता है, यानी ट्रॉपिकल सवाना रीजन वाला जो रीजन है, यानी अफ्रीका वाला जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला एरिया में, उसे लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोला जाता है। ऐसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चूंकि ग्रासेस इतना ज़्यादा इनफ मात्रा में होता है, तो यहाँ पे जो एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब देखने को मिलेगा, यानी हर्बीवोरस एनिमल। तो इसे कैच करने के लिए यानी लायन हो गया, चीता हो गया, ये सब यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल भी देखने, यानी एनिमल बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग क्या करते हैं कि एनिमल को ट्रैप करते हैं या तो मार देते हैं, इसलिए इसको इसका नाम दिया जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो इसको याद रखना है कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन को लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। और ये अभी हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल है, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। दीज ग्रासलैंड आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से ये जाना जाएगा। पहले आप ये देख लो, ये सवाना रीजन वाला ग्रासलैंड है अफ्रीका में, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, ट्रॉपिकल वाला एरिया, पहले आप मैप देख लो। तो ये आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पे आप देखो, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो यही दोनों के बीच में क्या मिलेगा हमको, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो अफ्रीका वाली रीजन है, ये ईस्ट अफ्रीका वाली जो रीजन है, यानी हो गया सूडान हो गया, चड हो गया, नाइजर हो गया, फिर केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, ये वाली रीजन में जो है इसको बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड, यानी यहाँ पे जो ग्रासलैंड का नाम है वो है सवाना ग्रासलैंड। उसी तरीके से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से जाना जाएगा, जैसे ब्राज़ील में हो गया, ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से जाना जाएगा, कैंपोस। उसी तरह से वेनेजुएला में चले जाओगे तो यहाँ पे लानोस के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम से ये ग्रासलैंड जाना जाता है। तो अगर आप देखो ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन देखोगे, यानी सूडान, केन्या, तंजानिया, ये वाली रीजन में देखोगे, तो ईस्ट अफ्रीका में जो है जो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको सवाना के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ब्राज़ील में जो है कैंपोस के नाम से जाना जाता है। अमेजन बेसिन में इसको सेल्वा के नाम से जाना जाता है, यानी मेनली फॉरेस्ट को बोला जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को सेल्वा के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला में इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा जिराफ है और भी अदर एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो ग्रासेस है ये सवाना रीजन का, यानी ईस्ट अफ्रीका रीजन का है, यानी केनिया का ये है मेनली। उसी तरीके से दूसरा जो ग्रासलैंड होता है वो होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये जो है 30 से 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड पे देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बियॉन्ड वाला जो क्या होगा वो मिड लेटीट्यूड वाला एरिया, ये टेम्परेट रीजन हो गया। इसके बियॉन्ड वाला क्या होगा,
टेम्परेट रीजन हो गया, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का अगर बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में उतना ज़्यादा लैंडमास नहीं होता। अगर केवल साउथ अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो लैंडमास उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा लैंडमास। इसलिए इधर वाले जो रीजन होता है यानी जो टेम्परेट वाला रीजन होता है, इसको उसी के नाम पर दिया गया है टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि मेनली 30 से 45-50 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड पे देखने को मिलेगा। ये मेनली मिड लेटीट्यूडनल रीजन में देखने को मिलेगा या तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट पे देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों, ये पहले आप समझो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, ये 23.5 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब देखो इसके बियॉन्ड इधर क्या होगा, टेम्परेट रीजन होगा, ठीक है, इतना याद होगा। अब देखो इधर जो आता है, इधर जो विंड चलेगा ट्रेड विंड होगा। ट्रेड विंड मेनली क्या होता है, ईस्टर्ली होता है, नॉर्थ ईस्टर्ली होता है ना, ईस्टर्ली विंड होता है। तो ईस्टर्ली विंड होता है तो क्या होगा, इधर जब ये यानी मॉइस्चर को कैरी करके आएगा तो इधर अगर कोई यानी एलिवेशन है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपना पूरा मॉइस्चर को यहीं पर ड्रेन कर देगा, यानी पूरा यहीं पर फॉल करा देगा। तो इधर जो जैसे जैसे ये इंटीरियर में जाएगा, ये हो गया कंटिनेंट, आप ये समझो इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट कहने का मतलब लैंड मास के इनसाइड। जैसे ये कंटिनेंट हो गया, अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, तो ये जैसे जैसे यानी एक लैंड मास हो गया, लैंड मास कंटिनेंट मतलब लैंड मास, सिंपल समझो। जैसे जैसे आप इधर रेनफॉल जाएगा यानी विंड इस तरह से इधर इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, मॉइस्चर तो इधर ही ये फॉल करा दिया ना, तो मॉइस्चर इसके पास कम बचेगा, कम बचेगा तो यहाँ पे इंटीरियर वाले रीजन में क्या होगा, कम रेनफॉल होगा, कम रेनफॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर टेम्परेट रीजन में देखोगे तो इधर क्या होगा, इधर वेस्टर्ली होगा, तो वेस्टर्ली होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे इंटीरियर वाला रीजन में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर देखो जैसे जैसे इंटीरियर जा रहा है यहाँ पे तो रेनफॉल होगा क्योंकि यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, तो इसके इसी साइड में रेनफॉल हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, शैडो एरिया होगा यानी इधर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम रेनफॉल होगा, कम रेनफॉल होगा तो ग्रासलैंड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये जो है मेनली मिड लेटीट्यूड रीजन में देखने को मिलेगा और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी लैंडमार्क के इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेनली जो ग्रासेस होगा वो शॉर्ट होगा क्योंकि वहाँ जो है ट्रॉपिकल के कंपेरिजन में यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। वहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा था, 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में हो रहा था, यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा, इसका जो हाइट होगा छोटा होगा यानी शॉर्ट होगा, और यहाँ का जो यानी ग्रासेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है यानी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड है कोल्ड विंटर, टेम्परेट ग्रासलैंड है उस साइड में है तो क्या होगा, कोल्ड विंटर होगा, वार्म समर होगा विथ रेनफॉल जो होगा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होगा। प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल इन दीज ग्रासलैंड इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ जो यानी ठंडा ज़्यादा होगा यानी टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ड्यू या स्नो के फॉर्म में मेनली होगा यहाँ पे प्रिसिपिटेशन। टेम्परेट ग्रासलैंड आल्सो नोन टू हैव ए रिचर सॉइल देन सवाना, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ का सॉइल जो होता है क्या आपकी क्या होता है, यानी रिच सॉइल होता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ का जो ग्रासेस होगा कैसा होगा, न्यूट्रिशियस होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यानी वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा वो है वाइल्ड बफेलो, बाइसन हो गया, एंटीलॉप्स हो गया, और भी अदर एनिमल यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा टेम्परेट रीजन में। अब जिस तरीके से यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, यानी पूरा वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट रीजन के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से जो है टेम्परेट ग्रासलैंड उसको डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, यानी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम से जाना जाएगा। तो पहला अगर बात करें अर्जेंटीना या चाइल वाले रीजन का, जिसे आप मैप में देख सकते हो, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइल हो गया और ये अर्जेंटीना हो गया, तो यहाँ वाले रीजन में जो देखने को मिलेगा, जो इस वाले रीजन में जो ग्रासलैंड देखने को मिलेगा तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यानी इस साइड हो गया, तो इस साइड हो गया यानी ये वाले रीजन में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बियॉन्ड हो गया यानी टेम्परेट रीजन में आ रहा है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया ये, तो टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया तो इसका नाम इस एरिया में डिफरेंट नेम होगा, तो डिफरेंट नेम होगा तो इसका नाम है यहाँ पे पम्पाज, इसको बोलते हैं पम्पाज। तो उसी तरीके से अर्जेंटीना चाइना चाइल वाली रीजन जो है उसको बोलेंगे पम्पास, यानी वहाँ पे पम्पास के नाम से जाना जाता है, ग्रासलैंड को जो है पम्पास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है ये देखना है, कि जैसे आपका हर एक चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे वेजिटेशन क्या होगा। अगर वहाँ पे अगर ग्रासेस ज़्यादा है तो ग्रासेस को क्या होगा, आसानी से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, प्लस में क्या चाहिए, एनिमल को फीड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अल्फा अल्फा नामक का ग्रास देखने को मिलेगा,
अल्फा अल्फा नमक का ग्रास देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ही न्यूट्रिएंट रिच ग्रास होता है, यानी काफ़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होता है, जो कि एनिमल को यानी लाइव स्टॉक जो हो गया कैटल को मेनली ग्रेजिंग के लिए मेनली यूज करता है, यानी उसको खिलाने के लिए मेनली फीड करने के लिए उसके यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेंचिंग हो गया, कैटल रेयरिंग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इसको ये न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशियस होता है तो क्या होगा कि इसको आप कट कर सकते हो, ग्रास को कट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हीट प्रोडक्शन के लिए मेनली यूज किया जाता है, यानी व्हीट जो होता है ग्रो करता है। व्हीट जब हम लोग पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में तो वहाँ पे देखेंगे कि व्हीट जो होता है, व्हीट को ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होता है, तो उसी एरिया में पाया जाता है, तो इसी एरिया में लाई कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे व्हीट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिव व्हीट प्रोडक्शन होता है इस रीजन में। फिर उसी तरीके से इकोनॉमी जो डिपेंड करता है व्हीट और बीफ के मेनली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। क्यों व्हीट पे, व्हीट तो समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है उस तरह का सूटेबल है, जो जिसके कारण से यहाँ पे व्हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे न्यूट्रिशियस ग्रास है अल्फा अल्फा, उसको ग्रेजिंग करने के लिए ये यानी ये फीड कराता है, एनिमल उसको फीड करता है, जिसके कारण से यहाँ पे बीफ का एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है। फिर उसी तरीके से अगर नॉर्थ अमेरिका में चले जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो है प्रेरी के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या हो गया, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाली रीजन आप देख सकते हो, ये वाली रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका वाली रीजन है, तो ये प्रेरी, इसको प्रेरी बोलते हैं, प्रेरी। अब वहीं पर यहाँ पर क्या था, अर्जेंटीना वाला रीजन, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, पंपास। अब देखो जो जो यानी इसके बियॉन्ड है, तो यहाँ पे आप चले आ जाओ, ये क्या हो गया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया कुछ यूरोप वाला पार्ट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, यूरेशिया। तो यहाँ पे जो है स्टेपी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ग्रासलैंड को स्टेपी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप चले आओ, ये वाला किस भी रीजन में हो गया, ये तो अफ्रीका वाले रीजन में हो गया, यानी ट्रॉपिक वाला रीजन में आ गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, तो इसको बोलते हैं सवाना, सवाना। अब देखो यहाँ पे अफ्रीका के बियॉन्ड यानी कैप्रिकॉन के बियॉन्ड, कैप्रिकॉन को बियॉन्ड चले जाओगे यानी साउथ अफ्रीका में चले जाओगे, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है यानी टेम्परेट ग्रासलैंड है ये भी, इसको बोलते हैं वेल्ट्स, क्या बोलते हैं, वेल्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं डाउन। अगर न्यूजीलैंड में चले जाओगे, सदर्न न्यूजीलैंड वाला पार्ट में, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कैंटरबरी, कैंटरबरी। ये पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार याद रखना है, क्योंकि यही प्रीलिम्स में पूछता है, स्टेट पीसीएस में तो पूछता ही पूछता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस रीजन में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका में भी हम लोग देखे थे यहाँ पे प्रेरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, व्हीट, व्हीट ज़्यादा देखने को मिलेगा, व्हीट का प्रोडक्शन, फिर एक्सटेंसिव रेंचिंग देखने को मिलेगा। फिर साउथ अफ्रीका में अगर देखोगे तो साउथ अफ्रीका क्या होगा, टेम्परेट रीजन में ही आएगा, टेम्परेट रीजन में आएगा, नहीं टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस यहाँ पे भी बेल्ट्स इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है उसको बेल्ट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है मैजे का फार्मिंग होता है ज़्यादा, फिर सीप और केटल रेयरिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर सेंट्रल एशिया यानी यूरेशिया वाला रीजन, वहाँ पे क्या, किस नाम से जानते हैं ग्रासलैंड को, स्टेपी के नाम से। यहाँ पे भी व्हीट और मेजे का कल्टीवेशन होता है, रेंचिंग, यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पे रेंचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशियस ग्रास देखने को मिलेगा, और व्हीट तो होगा ही होगा, व्हीट और मेजे। फिर उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन के नाम से जाना जाता है, डाउन बोलते हैं। सीप और केटल रेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेरिनो सीप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे वूल का प्रोडक्शन होता है। फिर हंगरी, हंगरी में देखोगे तो पुस्तज के नाम से जाना जाता है, पुस्तज। आइए, हंगरी का जो सॉइल होता है, यहाँ का जो सॉइल होता है वो कैसा होगा, ब्लैक सॉइल होगा, और यहाँ पे व्हीट का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो है शुगर का प्रोडक्शन होता है, जो कि मेनली शुगर बीट से यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, यानी शुगर बीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है, उसके हेल्प से शुगर का प्रोडक्शन होता है। इसमें कौन कौन सा कंट्री आ गया, हंगरी हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, ये वाले रीजन में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। फिर उसी तरीके से न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, यहाँ पे भी सीप और केटल का रेयरिंग होगा, मेरिनो सीप यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वही न्यूजीलैंड में होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हम लोग देख लिए इसका नाम। तो अपन लोग एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं क्या, कि दो तरीके का ग्रासलैंड पड़े, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में डिफरेंट रीजन में क्या होगा, डिफरेंट नाम से जाना जाएगा। चलो सबसे पहले मारे जाते हैं कहाँ पे, यानी अफ्रीका वाले रीजन में, वहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा, सवाना रीजन, सवाना नाम से जाना जाएगा। फिर आ जाओ ब्राज़ील वाले रीजन में, ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाएगा, रिकॉल करने की कोशिश करो, ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से जाना जाएगा। फिर अर्जेंटीना में आ जाओ, अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाएगा, पंपास के नाम से जाना जाएगा।
फिर अमेजन बेसिन में सेल्वा के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, ये था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। अब टेम्परेट ग्रासलैंड देखते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड सबसे पहले नंबर आ जाओ कहाँ पे, साउथ अमेरिका में का बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका में जो है सबसे पहले नंबर कहाँ पे देखो, साउथ अमेरिका में अगर सबसे पहले नंबर आ जाओगे तो कहाँ पे, अर्जेंटीना और चाइल वाला रीजन में। तो अर्जेंटीना और चाइल वाला रीजन में किस नाम से जाना जाएगा, पंपास के नाम से। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक देखो गलत हो गया है, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अर्जेंटीना वाला नहीं आता है, यानी पंपास जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में नहीं आता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड में आता है। यहाँ पे जो होता है वेनेजुएला में जो है, वेनेजुएला यहाँ पे लिखना था, वेनेजुएला में इसको लानोस के नाम से जानते हैं, लानोस, लानोस बोलते हैं, यानी वेनेजुएला में लानोस, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना और चाइला जो है, चाइल जो है वो पंपास वाले रीजन में आएगा, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना चाइल हो गया। फिर आप चले जाओ नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाएगा। फिर आ जाओ अफ्रीका में, आ जाओ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में किस नाम से जाना जाएगा, बेल्ट्स के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल एशिया या यूरेशिया के वाले रीजन में आ जाओ, सेंट्रल एशिया या यूरेशिया वाले रीजन में इसको स्टेपी के नाम से जानते हैं। फिर हंगरी आ जाओ, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, ये सब में क्या हो गया, किस नाम से जाना जाएगा, तो पुस्ताज के नाम से जाना जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया ना कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन के नाम से जाना जाएगा। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक बार रिकॉल करके इसका पूरा नाम एक जगह लिख करके रिपीट, यानी आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे यानी स्टिकी नोट से चिपका देना, तो याद हो जाएगा दो तीन बार जिससे देखोगे। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसे सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो ये जो दो डिस्टिंक्ट टाइप का ग्रासलैंड अभी हम लोगों ने देखा था, सवाना ग्रासलैंड यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, ये दोनों जो ग्रासलैंड है दोनों लगभग लगभग सिमिलर दिखेगा, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो कि जो अफ्रीकन सवाना है यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, यानी अफ्रीकन सवाना में अगर देखोगे तो एलिफेंट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड में देखने को नहीं मिलेगा एलिफेंट उतना ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट में। वहीं के पे इसका जस्ट उल्टा अगर चले जाओ तो यहाँ पे जो है अगर टेम्परेट ग्रासलैंड में देखोगे, जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट का बात करें प्रेरी वाला रीजन में, तो यहाँ पे ब्रोइंग एनिमल जैसे हो गया प्रेरी डॉग, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड में ही मिली देखने को मिलेगा, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो किसी भी इकोसिस्टम के बारे में, जितना भी इकोसिस्टम पढ़े तो उसमें हम लोग यही पढ़े कि ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ह्यूमन का जो होता है इस ग्रासलैंड पे भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या कि चूँकि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है, क्या होता है यहाँ का सॉइल जो होता है काफ़ी रिच होता है, इसलिए जब सॉइल न्यूट्रिएंट में रिच होगा तो क्या होगा, इसे लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो ग्रासलैंड है अगर देखने को मिलेगा, जो यूनाइटेड स्टेट में जो ग्रासलैंड देखने को मिलेगा उसे जो है फील्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी खेत में कन्वर्ट कर दिया है क्रॉप ग्रो करने के लिए, यानी कल्टीवेशन के लिए मेनली उसको कट कर दिया है ग्रासेस को, या तो ग्रेजिंग के लिए इसको यूज कर दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दिया। इसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्रासलैंड था उसका लॉस होने लगा है। उसके कारण से जब लॉस होने लगा है तो इसके कारण से यहाँ पे जो यानी वाइल्ड लाइफ रह रहा था वो भी इसी पे डिपेंडेंट था। जब उसी का लॉस हो रहा है तो उसके कारण से जो उस पे डिपेंडेंट है उसका क्या होगा, उसका धीरे धीरे उसके पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है मोनार्क बटरफ्लाई रहा करता था, तो वो क्या हुआ धीरे धीरे जैसे जैसे इसका यानी कट करते जा रहा है, यानी जैसे जैसे लॉस हो रहा है ग्रासलैंड का, वैसे वैसे यानी ये क्या कर रहा है, माइग्रेट करना स्टार्ट हो गया मेक्सिको के साइड में, और धीरे धीरे इसका पॉपुलेशन मोनार्क बटरफ्लाई का क्या होगा, डिक्लाइन हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है लगभग। फिर उसी तरह से अगर अफ्रीका सवाना का बात करोगे तो यहाँ पे इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से बहुत सारा एनिमल हो गया, जैसे एलिफेंट हो गया, ये सब यहाँ पे क्या हो गया, इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। एलिफेंट से क्या होता है, एलिफेंट क्या करता है, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ट्री आएगा या श्रब्स आएगा उसको क्या करेगा, ये क्रश कर देगा यानी उखाड़ देगा, उखाड़ देगा तो इससे क्या होगा कि ट्री यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा और ग्रासलैंड मेंटेन रहेगा। विदाउट लार्ज एनिमल अराउंड द स्टॉम्प डाउन द ट्री दे कैन मोर रेडली ओवरटेक द ग्रासेस, यानी जब अब
ये एनिमल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अब स्टेबल नहीं रह पाएगा, और क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देगा कौन, ट्री इकोसिस्टम इसको रिप्लेस कर देगा, यानी ट्री अब आ जाएगा, कॉजिंग सवाना टू टर्न इनटू फॉरेस्ट, यानी सवाना जो है धीरे धीरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिजल्टिंग लॉस ऑफ ग्रासेस वुड मीन लेस फूड फॉर ग्रेजिंग। अब जब लॉस हो रहा है, यानी ग्रासेस का लॉस हो रहा है, तो इसके कारण से हर्बीवोरस एनिमल का भी लॉसेस होगा। जब हर्बीवोरस एनिमल्स का लॉसेस होगा तो उसके कारण से क्या होगा, जो कार्निवोरस एनिमल है उसमें भी लॉसेस देखने को मिलेगा। यानी क्या होगा, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ये जो वर्ल्ड में जितने भी तरह का यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और डिफरेंट डिफरेंट नेम से किस किस रीजन में किस नेम से जाना जाता है उसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो बात करेंगे अपना इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कितने तरह का ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर देखोगे तो मेनली जो टिपिकल ग्रासलैंड है वो मेनली देखने को मिलेगा हाई हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलेगा। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का ग्रासलैंड अगर देखोगे तो मेनली जो है यहाँ पे स्टेपी टाइप का ग्रासलैंड, स्टेपी मतलब क्या चीज़, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड, और सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। सवाना मीन्स क्या चीज़, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। अगर दोनों में मेन डिफरेंस देखो, स्टेपी ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड में अगर मेन डिफरेंस देखोगे तो ये मेन डिफरेंस है फोराज का। फोराज क्या होता है, फोराज मीन्स हो गया कि कितना ग्रास हुआ, यानी इल्ड दे रहा है, यानी उसको फोडर के लिए यूज किया जाएगा, तो फोराज में मेनली उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे स्टेपी का अगर बात करें, स्टेपी ग्रासलैंड का, तो यहाँ पे जो फोराज देखने को मिलेगा मेनली ब्रीफ पीरियड में ही देखने को मिलेगा, जो ब्रीफ वेट सीजन होता है उसी में केवल देखने को मिलेगा। जबकि सवाना में अगर देखोगे तो लार्जली फोराज जो होता है लार्जली फ्रॉम ग्रासेस डेट नॉट ओनली ग्रो ड्यूरिंग वेट सीजन बट ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ रीग्रोथ ड्यूरिंग ड्राई सीजन। यानी यहाँ पे ड्राई सीजन में भी देखने को मिलेगा, कम अमाउंट में देखने को मिलेगा, लेकिन ड्राई सीजन में भी देखने को मिलेगा और वेट सीजन में भी देखने को मिलेगा। किसके केस में, सवाना ग्रासलैंड के केस में। लेकिन स्टेपी ग्रासलैंड के केस में देखोगे तो केवल ब्रीफ वेट सीजन में ही यहाँ पे ग्रासलैंड यानी फोराज देखने को मिले। फोराज कहने का मतलब कि वह हरा भरा घास, सिंपल समझो। स्टेपी फॉर्मेशन अगर देखोगे तो स्टेपी फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली जो है जो वेस्टर्न राजस्थान है उस वाले एरिया में देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पे जो क्लाइमेट है सेमी एरिड है और रेनफॉल जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है, और लगभग ड्राई सीजन जो होगा बहुत लॉन्ग होगा, लगभग 10 से 11 मंथ का ड्राई सीजन होगा। तो यहाँ पे जो है स्टेपी का फॉर्मेशन होगा, स्टेपी यानी टेम्परेट, यानी जहाँ पे रेनफॉल कम होगा, यानी वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आप देखोगे इस वाले, यहाँ पे अरावली है, अरावली के जस्ट बियॉन्ड इस वाले ये नॉर्दर्न गुजरात, फिर हो गया कोई वेस्टर्न जो राजस्थान हो गया, यहाँ पे क्या होगा 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेपी ग्रासलैंड इंडिया में। अब देखो जो सेंट्रल और ईस्टर्न जो राजस्थान होगा वहाँ पे क्या होगा, लगभग रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा एनुअल रेनफॉल, इसलिए जो ड्राई सीजन होगा इज ऑफ द 6 से 8 महीने का होता है, यानी 6 से 8 महीने का होता है, इसलिए यहाँ पे ड्राई सवाना जो है यानी ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। द लाइट शेड कास्ट बाय द स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ द ट्री लाइक खेतरी फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यानी खेतरी जो एक ट्री है उसके शेड में जो है यानी उसके छाया में जो है ये मेनली ग्रो करता है, उसके कारण से ग्रो करता है। अब किस किस तरीके का ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे इंडिया का टोटल ग्रासलैंड जो है उसको 6 टाइप ऑफ ग्रासलैंड में डिवाइड किया गया है डिफरेंट रीजन में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें से 4 मेजर टाइप का जो ग्रासलैंड है वो डिस्कस किया गया है नीचे। तो पहला है सेमी अरिड जोन। सेमी अरिड जोन कहाँ पे मिलेगा, तो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेगा, अरावली को छोड़ दिया जाए तो, और उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी हो गया, दिल्ली पंजाब ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा सेमी अरिड जोन। द टॉपोग्राफी ब्रोकन बाय, ये पढ़ लेना एक बार, ड्राई सब ह्यूमिड जोन ये दूसरा ग्रासलैंड है। इट कवर्स द होल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मेनली पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट नीलगिरी हिल को छोड़ करके। मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, ये जो है मेनली गंगा का एलुवियल प्लेन जो है नॉर्दर्न इंडिया में वहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोपोग्राफी कैसा होगा, लेवल होगा यानी प्लेन होगा, लो लाइंग एंड इल ड्रेंड होगा। ह्यूमिड माउंटेन रीजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये मेनली इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा, हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो दिस एक्सटेंड ह्यूमिड माउंटेन रीजन ऑफ
एंड मोस्ट सब ह्यूमिड एरिया ऑफ आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। जो सवाना ड्राइव किया गया मेनली ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड शिप ग्रेजिंग के बेसिस पे इसका नाम सवाना दिया गया है। तो ये मेनली क्षेत्र का देखो आप ग्रासलैंड जो है इंडिया में वो एक बार रीड कर लेना, जरूरी नहीं है इंडिया का ग्रासलैंड पढ़ना जरूरी नहीं है हम लोगों को, ये मेनली उसके लिए है इंपॉर्टेंट जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इसलिए केवल एक बार रीड करके रखना है। बाकी अपना जो है जो वर्ल्ड का जो ग्रासलैंड है डिफरेंट रीजन में किस नाम से ग्रासलैंड जाना जाता है वो मेनली पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, मैच इन दी फॉलोइंग दे करके पूछ लेगा किसका नाम किस रीजन में क्या है। तो यहाँ पे आप देखो सेहिमा डायकन किस रीजन में देखने को मिलेगा, तो ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा सेहिमा डायकन। फिर हो गया डायकन सेंक लासी, तो ये देखो ये वाले रीजन में फर्स्ट वाली हो गया, सेकंड वाली इसमें हो गया पेनिनसुलर वाले रीजन में, फिर PHARAG SUCH IMP यानी ये जो है तीसरा वाला यहाँ पे इस रीजन में, इस वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। फिर थेम अरंड ये जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेट अल्पाइन क्या हो गया, इस वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में हो गया। फिर मिक्स्ड जोन ऑफ वन एंड थ्री कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये छठा नंबर देखने को मिलेगा ये दोनों के बीच में, यानी सेहिमा डायकन और फ्रैग सच IMP ये दोनों के बीच में देखने को मिलेगा ये। तो इस तरीके से छः वो ग्रासलैंड हो गया इंडिया का। अब ये मेंस में पूछ सकता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ग्रासलैंड का, तो इंडिया देखो इंडिया में क्या है लाइव स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी अपने यहाँ जो है छोटे छोटे यानी जानवर से लेकर के बड़े बड़े जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आप छोटे में ले लो तो सीप हो गया, सीप से लेकर के सीप गॉट से लेकर के अपने यहाँ बफेलो तक भी पाए जाते हैं, यानी लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के में। तो यहाँ पे ये जो है मेनली ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है ग्रासेस प्रोवाइड करता है, ये फोडर का काम करता है। तो एज ए फोडर जो है लाइव स्टॉक एनिमल के लिए जो है मेनली फोडर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है फ्यूल का, न्यूट्रिशन का, रॉ मटेरियल जो है विलेज इंडस्ट्री में है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब देखोगे लेकिन इतना होने के बावजूद भी इंडिया का जो है टोटल जितना भी एरिया है इंडिया का उसमें से जो है केवल 13 मिलियन हेक्टेयर को ही जो है क्लासीफाई किया गया है परमानेंट ग्रेजिंग लैंड क्लासीफाई किया गया है इंडिया में। ऑन टॉप ऑफ इट दे एग्जिस्ट इन ए हाईली डिग्रेडेड स्टेट है, ये मोस्टली जो है जो हाईली डिग्रेडेड स्टेट है वहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्दर्न गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रासलैंड बायोम आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हर्बीवर्स के लिए, क्योंकि उसके लिए फोडर का काम करता है। और उसके लिए जो है दो इंस्टीट्यूट भी खोला गया है इंडिया में, वो है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में है, दूसरा है सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। अब ग्रेजिंग का क्या इम्पैक्ट होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, अब देखो जब हैवी ग्रेजिंग होगा यानी उससे प्रेशर जब बढ़ेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे, तो जो ग्रासलैंड का क्वालिटी जो है क्या होगा डिटेरियोरेट करेगा यानी डिग्रेड करेगा। तो ये जो ग्रासलैंड होता है वो क्या करता है मल्चिंग का भी काम करता है। मल्चिंग मीन्स क्या हो गया कि प्लांट का रूट को कवर करके रखना, जब रूट को कवर करके रखेगा तो क्या होगा जब सनलाइट आएगा तो उससे क्या कारण से क्या होगा मॉइस्चर जो है उसमें यानी बचा हुआ रहेगा, रिटेन रहेगा, यानी वो इवेपोरेट करके उड़ेगा नहीं, जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, तो मल्चिंग का काम करता है। लेकिन जब ये ग्रासलैंड हट जाएगा तो क्या होगा मल्चिंग यानी रिड्यूस होगा, मल्चिंग जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा सॉइल का क्वालिटी रिड्यूस होगा। फिर उसी तरीके से अगर ह्यूमस कवर कम होगा, ह्यूमस कवर कब होगा यानी रिड्यूस होगा ह्यूमस कवर, तो क्या होगा यानी ह्यूमस का भी काम करता है ये, ह्यूमस का काम करेगा तो क्या होगा ह्यूमस कवर जब डिग्रेड होगा तो क्या होगा मिनरल सॉइल सरफेस जो होगा क्या होगा बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। व्हेन वेट इट प्रोड्यूसेस पडलिंग, और जब यानी बारिश होगा तो क्या होगा इसमें पडलिंग हो जाएगा। पडलिंग मीन्स क्या होता है ये आप एक, तो ये आप देख सकते हो किस तरह से इसी को बोलते हैं पडलिंग, यानी कीचड़ पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो जब बारिश होगा जब ह्यूमस कवर क्या होगा डिग्रेड हो जाएगा यानी अब्सेंस होगा, तो उसके कारण से जो सॉइल का मिनरल सरफेस है वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा यानी वो भी बर्बाद हो जाएगा, वो भी डिग्रेड होगा। और जब बारिश होगा जब वेट होगा रेनफॉल होगा तो उसके कारण से क्या होगा पडलिंग हो जाएगा सरफेस का, पडलिंग मीन्स पानी एकदम पूरा भर जाएगा यानी कीचड़ टाइप का हो जाएगा। और उसके कारण से क्या होगा जो वाटर है वो क्या होगा परकोलेट नहीं कर पाएगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा यानी सॉइल में वाटर नहीं जा पाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा कि रन ऑफ जो है रन ऑफ क्या हो जाएगा
यानी क्या होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो रन ऑफ जो होगा यानी पानी का बहाव क्या होगा, तेज हो जाएगा। जब पानी का बहाव तेज होगा तो क्या होगा, इरोजन यहाँ पे फास्ट होगा, यानी लैंड का यानी सॉइल का क्या होगा, इरोजन भी होगा इसके कारण से। दीज चेंजेज कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड डिस्टर्बेशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, इट्स रिजल्ट्स इन ए ब्रेकडाउन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ वाटर कार्बन और नाइट्रोजन, जो साइकिल है वाटर साइकिल है कार्बन साइकिल है इसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है, तो इसको भी क्या करेगा, इसको भी डिग्रेड कर देगा इस। और वाटर और विंड इरोजन जो होगा कम्प्लीटली डिटोरिएट द ड्राई ग्रास लैंड माइक्रो क्लाइमेट, और इस तरीके से एक समय के बाद क्या होगा, इसे यहाँ पे जो है वाटर और विंड मिल करके क्या करेगा, इसका सॉइल क्वालिटी को पूरा ही डिग्रेड कर देगा। इसके कारण से यहाँ पे जो ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो जाएगा, और फाइनली जो है ग्रासलैंड से फिर ये डेजर्ट की ओर मूव कर जाएगा। अब फायर का कितना बड़ा रोल होता है, तो फायर जो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर मॉइस्ट कंडीशन जब होगा यानी वेट कंडीशन होगा, जब यानी कुछ मॉइस्चर होगा रेनफॉल होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस समय जो होता है ट्री के ग्रो होने का चांसेस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होगा कि इनफ रेनफॉल मिल रहा होगा यानी मॉइस्चर मिल रहा होगा, जिसके कारण से ट्री ग्रो करने का चांसेस ज़्यादा होगा। लेकिन जब फायर होता है यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब फायर होगा तो उसके कारण से क्या होगा कि ट्री को ग्रो करने नहीं देगा। उसी तरीके से अगर ड्राई अगर कंडीशन होगा, ड्राई कंडीशन में क्या होगा, ये ग्रासलैंड जो है इकोसिस्टम को किस तरीके से मेंटेन करेगा कि यहाँ पे जो है डेजर्ट श्रब्स जो है वो ग्रो करने लगेगा, तो वो ग्रो करने लगेगा तो उसको ये फायर के थ्रू क्या करेगा, उसको निपटा देगा। तो उसको निपटा देगा तो क्या होगा कि ग्रासलैंड भी फायर में जल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्विकली फिर से रिकवर कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है अपने आप को इस वातावरण में। तो ये क्या हुआ, तुरंत फिर से रिग्रो कर लेगा, लेकिन वो उसको उससे प्रोटेक्ट कर लेगा कि वो जब ड्राई कंडीशन होगा तो डेजर्ट सर्फ से इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, और जब मॉइस्ट कंडीशन होगा तो ट्री के ग्रो करने से उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। और इस तरह से अगर बर्निंग्स के कारण से जो है फोराज का यील्ड भी जो है इम्प्रूव होता है, तो इस तरीके से पूरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो डेजर्ट इकोसिस्टम करेंगे, और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कोई भी अगर डाउट पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और PDF के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।